के विभिन्न राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते जिला कुल्लू का पर्यटन एक बार फिर प्रभावित हुआ है। तो वहीं कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला कुल्लू के होटल व्यवसायियों ने भी अपने होटलों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं होटलों में तैनात स्टाफ को भी अपने घरों की ओर भेजा जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कुल्लू मनाली में कारोबारियों ने होटल बंद करने की तैयारी कर ली है। अन्य राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों से कुल्लू मनाली का पर्यटन कारोबार चौपट हो गया है। समर सीजन शुरू होने से पहले ही होटल संचालकों ने आधे से अधिक कर्मचारियों को घर भेज दिया है। इस बार जो फरवरी महीने या मार्च महीने में टूरिस्ट सीजन का एक उम्मीद जगी थी कि पर्यटक सीजन जो है वो सही गुजरेगा, पर जिस प्रकार अभी पिछले कुछ दिनों में कोविड के केस प्रदेश में भी बढ़े हैं और देश में भी अन्य भागों में बढ़े हैं, इससे टूरिज्म जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। जैसे ही पिछली बार स्थिति थी लगभग वैसी ही स्थिति होगी है, और काफ़ी जो बुकिंग्स थी या एयर बुकिंग्स भी थी वो फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं और बुकिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा रद्द हुई हैं, और होटल व्यवसायी भी जो हैं वो उन्होंने काफ़ी बुकिंग्स लेने से मना कर दिया है और अपने स्टाफ को वापस भेज के इस वक्त काफ़ी होटल जो हैं वो ऑपरेशंस भी बंद कर चुके हैं। तो इससे जो है इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा घाटा पड़ा है और जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो भी व्यवसायी पर्यटन से जुड़े हुए हैं इस बार बहुत चिंतित हैं कि अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो गुजारा कैसे होगा। कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।